देश भर में आज शिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में सिरसा में भी आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। श्रद्धालु शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और फल फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मन की मन्नतें मांग रहे हैं। न्यूज़ फॉर यूके लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। ओम नमः शंभवाय जय मयूरभवाय जय नमः शंकराय जय महेशकराय जय नमः शिवाय जय शिवतराय जय। आज सुबह 3 बजे से भगवान शंकर की आरती के पश्चात जो है लोगों का तांता लगा हुआ है जी, और लोग जो है भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं। कम से कम सैकड़ों जो है कड़ा जो कांवड़े हैं जो है वो चढ़ चुकी हैं बाबा के, और अभी और भी आ रही हैं। और इस प्रकार से अब ये जो है भगवान का पूजन चल रहा है। अभी जो है अखंड जलधारा जो है आरंभ करेंगे 8 बजे बस, और उसके पश्चात जो है हवन होगा भगवान शंकर के प्रीति से, और फिर अखंड भंडारा जो है चालू हो जाएगा। हर मास में 12 मास हैं, 12 मासों में हर मास में शिवरात्रि आती है। श्रावण की जो है, श्रावण मास भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, इसलिए ये शिवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती है। फागुन की जो शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। तो श्रावण की शिवरात्रि में लोग जो है कांवड़ से भगवान शंकर की जो है विशेष पूजा करते हैं, कांवड़ लाते हैं, शंकर जी में जल चढ़ाते हैं गंगा जल, और इसमें जो है पंचामृत का जो है चढ़ाने का बड़ा ही विशेष महत्व है। इससे जीवन के जो है दुख सारे समाप्त हो जाते हैं और समृद्धि को जो है मानव जो है प्राप्त होता है, और भगवान शंकर का प्रेम उसको प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, और बहुत मन से तबीयत खुश होगी शिवरात्रि के दिन हमारी, और बाबा की फुल कृपा है। किस तरह से पूजा करते हैं सिद्ध जी? भोलेनाथ की पूजा करनी है, मन से करनी है, जैसे भी हो बोला जैसे मर्जी कर ले हो तो खुशी रहता है भोलेनाथ। हाँ, दूध भी चढ़ाते हैं, दही भी चढ़ाते हैं, शहद भी चढ़ता है, बेलपत्र भी चढ़ते हैं भोले बाबा के दरबार में, हर तरह की सुविधा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी, बहुत भगत कांवड़ लेके आ रहे हैं, बहुत भगत लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छा मेला होता है यहाँ शिवपुरी का, सारे शहर से बढ़िया मेला होता है यहाँ शिवपुरी में। शिव पूजा करी जाती है गंगा जल से, और बेलपत्र होता है, और भांग धतूरा होता है, फल चढ़ाओ, फल फूल चढ़ाओ, किस तरह की मन्नतें मांगी जाती है जिस तरह की आपकी इच्छा हो, जो भी हर तरह की मन्नत मांगी जाती है, विवाह शादी की, बच्चों की, हर तरह की मन्नत पूरी होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, शांति हो रही है मन में, अच्छा लग रहा है। कावड़ पहली बार लेके आया मेरे पापा, अल्लाह ताई बार हमें तो वोट रखी थी लड़की के लिए, भोलेनाथ ने लड़का दे दिया, हम कावड़ लेके आए भोलेनाथ की। लड़के की मन्नत मांगी थी? हाँ, लड़के की मन्नत मांगी थी, मेरा लड़का दे दे भोलेनाथ, तेरे कावड़ लाएंगे। भोलेनाथ ने सुन लिया हमारी, हमें भोलेनाथ का से वो शुभ होता है काम, जो मनोकामना मन में कहते हैं वो पूरी होती है। भोलेनाथ करता है, हमारी तो करी है, बाकी का बेना नहीं। मेरे पापा ने हो गया 26 कावड़ लेके आ गए मेरे पापा, और हम तो पहली बार लेके आए, ये लेके आए छोटे से लाने लगे थे कावड़। नहा धो के 5 बजे उठे, मंदिर गए, मंदिर में पूजा करी हमने शिव भोले की। किस तरह से पूजा करी? हाँ जी, किस तरह से पूजा करी? क्या भोले की पूजा से किस तरह की मिलते हैं, किस तरह का फल मिलता है? बहुत फल मिलता है जी शिव भोले की पूजा, सच्चे दिल से करने से बहुत फल मिलता है।